हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहाँ एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, और उसी एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर जो 4 था हमारा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसके 7 पार्ट तक अपना जो काम था वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 है, 8th पार्ट में कह रहा है, हमने लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स, तो बेटा यहाँ से देखिए अपने पास लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू a, इसको मैंने a से अज्यूम कर लिया, और यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 है इसको b से अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से आप ध्यान दे सकते हो कि साइन इनवर्स 3/5 a है, तो साइन a इज इक्वल्स टू 3/5। अब साइन इनवर्स के साथ पॉजिटिव है तो क्लियर है, कल से आपको मैं समझा रहा हूँ, a लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए आपका कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ से आपका बना साइन बी इज इक्वल्स टू 5/13, और इनवर्स के साथ यहाँ पॉजिटिव है तो आपका बी लाई ऑन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ए और बी है वो दोनों के दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सब कुछ ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देने के लिए, कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, ये तो हमारे पास ए अज्यूम कर लिया, इसको मैंने बी अज्यूम कर लिया। अगर मैं इसको एक बार साइड में आपसे समझाना चाहूँ आपको, तो ध्यान दीजिए, ये कोस ए प्लस बी बन गया भाई, क्या बन गया, ये वाई कोस ए प्लस बी बन गया। अब इसकी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है वो प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे से याद होगा आपको, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के इक्वल होता है। तो आपको ज़रूरत है कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोस ए और कोस बी तो नहीं है, लेकिन साइन ए और साइन बी की वैल्यू तो है। तो जब साइन ए है तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कोस ए अनरूट वन माइनस साइन स्केयर ए, तो कोस ए इज इक्वल्स टू अनरूट, अब मैंने ओनली पॉजिटिव क्यों रखा है यहाँ, क्योंकि ए लाई इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ से अपना जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव आएगा। तो 1 - 3/5 का स्केयर 9/25, 25 माइनस में 9 16, तो अनरूट 16/25 जो कि 4/5 बन गया। ऐसे ही साइन बी की एल से आप कोस बी फाइंड कर दो, ये भी अनरूट 1 - में साइन स्क्वेयर बी हो जाएगा, और यहाँ भी ओनली क्या लेना है, प्लस का साइन लेना है, बी लाई इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये बना अनरूट 1 - साइन स्क्वेयर बी, 5/13 है, स्क्वेयर करोगे तो 5 का 25 और 13 का 169 बन गया, अनरूट 169 माइनस में 25 जो कि 144/169 हो गया, जो कि 12/ में क्या बन गया, 13 बन गया। हमारे पास कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी सभी की वैल्यू आ चुकी है, तो अपना जो वाई है उसको अब आप लोग लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू कोस ए प्लस बी। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे भाई, y इज इक्वल्स टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, पुट कर दो इनकी वैल्यू, कोस ए अपना क्या है 4/5 इंटू कोस बी क्या है 12/13 माइनस साइन ए 3/5 इंटू साइन बी 5/13। तो यहाँ से चेक कर सकते हो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 12 × 4 = 48/65 माइनस 15/ क्या गया 65। एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है, तो न्यूमरेटर सबट्रैक्ट कर दोगे, 48 माइनस में 15 क्या बन गया, ये 33/65।
ये आपका पार्ट नंबर 8 हो गया है, जो कि अब तक जो पार्ट्स कर रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका पार्ट नंबर 9। नाइन्थ जो पार्ट है उसके अंदर भी सेम यही कंडीशन बन रही है। लेट वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम इसको, साइन इनवर्स कंप्लीट में ये नहीं भाई, ये कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। ये आपके पास तो यहाँ भी क्लियर है, फर्स्ट वाले को ए ले लो, सेकंड वाले को बी ले लो। तो लेट साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू ए ले लिया हमने, और भाई यहाँ से सीकेंट इनवर्स 4/3 है इसको बी के इक्वल, साइन ए है वो 1/4 आ गया, और इधर से आपका सीकेंट बी है वो 4/3 आ गया। साइन भी पॉजिटिव है सीकेंट भी पॉजिटिव है, तो आप यहाँ लिख सकते हो A and B both are lie in first quadrant। कहाँ लाई कर रहे हैं भाई, first quadrant में। अब आपके पास क्लियर है, अगर आप y इज इक्वल्स टू cos A प्लस बी लिखोगे, cos A प्लस बी लिखोगे तो वही फॉर्मूला आपको चाहिए भाई। तो साइन A की वैल्यू है तो क्या फाइंड कर दो इसकी हेल्प से, cos A, cos A बनेगा √1 माइनस साइन स्क्वेयर A, 1/4 है तो स्केयर करोगे 1/16, 16 - 1 15 हो गया, √15/16 आ गया जो कि √15/4 बन गया। साइन ए कोस बी आ गया, हमें साइन बी और कोस बी की वैल्यू और चाहिए, हमारे पास सीकेंट बी है तो सीकेंट बी की हेल्प से क्या जाएगा, कोस बी, क्योंकि कोस और सीकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोस बी आ गया हमारे पास 4/3, तो इसकी हेल्प से फाइंड कर देंगे हम क्या, साइन बी जो कि √1 माइनस में 9/16 बनेगा भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो 16 एलसीएम ले लिया आपने, 16 माइनस में 9, 16 में से 9 को सबट्रैक्ट कर दो तो 7, √7/4 साइन बी आ गया। साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, 4 के 4 की वैल्यू आ चुकी है तो आपका वाई इज इक्वल्स टू कहलाएगा कोस ए प्लस बी, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है अपने पास कोस ए इंटू कोस बी और माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। तो इन सभी की वैल्यू अपने पास है वो पुट कर दो, और यहाँ से जो भी जितना अपना सॉल्व हो उसके वो सॉल्व कर दो। डिवाइड में किसी भी टर्म में √1 ही नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर में जहाँ भी रूट आएगा वो आ जाएगा। तो 8th और 9th दोनों पार्ट हमारे पास ही एक जैसे हैं। नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर 10। 10th जो पार्ट है इसमें अपने पास, उसमें ये कह रहा है लेट y इज इक्वल्स टू, मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ 2 tan inverse 1/4 प्लस में कोस ऑफ 10 inverse 2√2। इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो ये वैल्यू फाइंड करवा रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस इनवर्स वाले को, इनवर्स इनवर्स के इन दोनों को हमें पुट कर लेंगे। ऐसा करते हैं तो अपने पास देखिए क्या बनेगा, लेट ए इज इक्वल्स टू 10 inverse 1/4, मैंने 2 को नहीं लिया साथ, ओनली किसको लिया है 10 inverse 1/4 को, तो यहाँ से 10 ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1/4। ऐसे ही यहाँ से लेट बी इज इक्वल्स टू, इसको मैंने बी से लिख लिया 10 inverse 2√2, तो यहाँ से आ गया 10b = 2√2। तो ये 10a भी पॉजिटिव है 10b भी पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग तो कह सकते हो a लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो b लाई इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ a और b है वो दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 10a और 10b की वैल्यू है। अब अगर ध्यान से अपना क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन को समझा जाए, तो आपका जो y इज इक्वल्स टू कहलाएगा वो साइन 2a प्लस कोस बी बन गया। देखो ध्यान दीजिए, एक्चुअल में आपका जो y है वो क्या बन गया, साइन 2a प्लस कोस बी बन गया।
साइन 2a का ऐसा फॉर्मूला ध्यान हो आपको जो प्योर 10 में होता है, अगर वो अप्लाई कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 2a की वैल्यू आ जाएगी 10a की हेल्प से, जो प्लस 1 के अकॉर्डिंग है। 10b की वैल्यू है, कोस b चाहिए, तो 10b से तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, सीकेंट b फाइंड कर सकते हैं, जो कि अंडरूट 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है, b होता है, सॉरी b मैथ, सीकेंट भी होता है रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, प्लस माइनस साइन के साथ आता है, लेकिन बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप लिख दोगे y इज इक्वल्स टू साइन 2a प्लस कोस बी। अब साइन 2a का वो फॉर्मूला चाहिए हमें जो प्योर 10 में होता है, तो ये इक्वल होता है किसके, 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, प्लस में कोस बी, कोस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। तो ध्यान दीजिए, हम जो इस प्रोसेस को पूरा कर रहे थे इसी पे ध्यान दो पहले, जो कि अंडरूट 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, 10 बी की वैल्यू 2√2 है, स्क्वायर करोगे तो 4 × 2 = 8 हो गया √9, जो कि सीकेंट बी 3 बन गया, सीकेंट बी 3 है तो कोस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो कोस बी की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो क्या है अपने पास, 1/3 है। तो नेक्स्ट वाई इज इक्वल्स टू 2 10a, 10a कितना है, 1/4, तो 2 × 1/4 डिवाइड बाई क्या भाई, 1 प्लस 10 स्क्वेयर a, 1 प्लस 1/4 का स्क्वेयर, तो 1/16 प्लस 1/3, तो y इज इक्वल्स टू ये बन गया भाई 2 से 2 पे डिवाइड हो गया, 1/2 / 2/17/16 हो गया, एलसीएम लिया तो प्लस का 1/3 है, 2 से आपका ये 8 पे डिवाइड हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो y इज इक्वल्स टू 8/17 बन गया, प्लस में हमारे पास है 1/3, तो y इज इक्वल्स टू 17 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या बन गया, 51 आ गया भाई, 17 3 जा तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बन गया, प्लस 3 से 17 प्लस 17 आ गया, y इज इक्वल्स टू 41/51 बन गया। तो बेटे यहाँ बार बार बताया जाता है कि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पे काम करोगे तो ये कन्फर्म है कि आपको कंटिन्यू अच्छे से जो प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा। ये प्लस वन के रिजल्ट के बेस पे ही हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, या तो केवल एक सिंगल पॉइंट जो इनवर्स का है वो ध्यान रखना है, बस ये रिजल्ट यूज हुआ है कि भाई इनवर्स को इधर ले आए तो ये 10a बन गया, ये 10b बन गया, अदरवाइज बाकी सारे रिजल्ट है वो 10th और प्लस 1 के यूज कर रहे हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जब 2.2 के लिए अगर आप वर्क करोगे तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज है उनकी कोई कमी नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास है? प्रॉपर्टीज है उनकी कोई कमी नहीं है, कि आपके पास प्रॉपर्टी 1 पे अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने करूं तो आप देखोगे कि हर पार्ट में जितने भी इसके पार्ट्स गिवन है, साइन इनवर्स, कहने का मतलब है कि इनवर्स है वो तो बाहर है और अंदर है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो कि इक्वल होता है किसके, एक्स के इक्वल होता है। इनवर्स से साइन, इनवर्स से साइन कैंसिल, केवल क्या बच गया, एक्स। लेकिन जो मेन ध्यान रखने की बात है वो ये है कि एक्स बिलोंग करेगा -π/2 to +π/2 को, जो आपने 2.1 से पहले डोमेन और रेंज की जो टेबल रीड की थी, तो ध्यान रखना जो रेंज वाली जो कंडीशन है एक्स उसको बिलोंग करेगा, चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कोस इनवर्स हो, चाहे वो आपका टेन इनवर्स हो, सब में आपका जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जो रेंज की कंडीशन है उसको बिलोंग करेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। बाहर इनवर्स था तो भी साइन कैंसिल हो गया, अंदर इनवर्स है बाहर सिंपल है तो भी साइन कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ जो कंडीशन बदल गई कि एक्स जो बिलोंग करेगा वो डोमेन को बिलोंग करेगा, वहाँ पे जो आपके पास टेबल में डोमेन थी -1 to 1,
तो ध्यान रखो आपके पास साइन और कोस की जो डोमेन थी वो क्लोज इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन थी, और हमारे पास इसमें टेन और कोट के लिए रियल नंबर है, और सीकेंट और कोसिकेंट के लिए आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी थर्ड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो थर्ड प्रॉपर्टी आप देखोगे तो उस थर्ड प्रॉपर्टी में क्या गिवन है अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जो कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, और यहाँ भी x बिलोंग करेगा किसको भाई, जो डोमेन है उसको बिलोंग करेगा। मेन ये बातें ध्यान रखने की है। और ऐसे ही आपका लेकिन कोस इनवर्स ऑफ, इनमें तो रिजल्ट सारे सेम है फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। टेन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोट और सीकेंट में फिर प्रॉब्लम आएगी। कोस इनवर्स में है और भाई कोट इनवर्स माइनस एक्स है वो भी आपका पाई माइनस में कोट इनवर्स एक्स बनेगा, और सीकेंट इनवर्स एक्स है वो भी ना सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स है वो भी क्या बनेगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स बनेगा। लेकिन एक्स की कंडीशन वही रहेगी जो उस टेबल में हमारे पास किसकी कंडीशन थी, डोमेन की कंडीशन थी। तो इन प्रॉपर्टीज़ में जितने भी अपने पास जो भी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, सभी की सभी प्रॉपर्टी है वो अच्छे से आपको रीड करनी है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है इनके कि एक्स वाई या ओनली एक्स है वो किस किस कंडीशन को बिलोंग कर रहा है, वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। जब तक हम ये प्रॉपर्टी ये रिजल्ट से सारे रीड नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे पास ये काम है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं काफ़ी जगह जो ज़रूरत पड़ेगी, एक सबसे लास्ट की हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 12th जो प्रॉपर्टी है वो 12th प्रॉपर्टी ये कह रही है कि उसके अंदर किसी भी एक इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसकी हेल्प से या उसको किसी भी सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करना हो। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स ले लिया मैंने, इस साइन इनवर्स एक्स को हमें भाई कोस इनवर्स भी, कोस इनवर्स है वो भी एक्स की टर्म में हो, टेन इनवर्स इस प्रकार से हमें बताना है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपना जो टेंथ क्लास में आपने ट्रायंगल वाला रूल रीड किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है अगर मैं इसको ए के इक्वल अज्यूम कर लूँ तो यहाँ से साइन ए है वो आपका क्या कहलाएगा भाई, एक्स। और वो ध्यान ही होगा रिजल्ट आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन तो परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज होता है, अपोन में कुछ भी नहीं है तो वन है, तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्स हो गया हाइपोटेन्यूज वन हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका बेस कितना आ जाएगा, अनरूट वन माइनस में एक्स हो गया। अब किसी के बारे में पूछ ले हमसे, ये तो साइन ही है, अगर को से आपसे फाइंड करवाता है तो बेस अपोन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है भाई, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है अपोन में वन है। यहाँ से आपका ए वापिस क्या बन गया, कोस इनवर्स अनरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप बुक में पढ़ोगे तो भी आपको यही मिलेगा कि साइन इनवर्स एक्स है वो किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपसे टेन इनवर्स फाइंड करवाता है तो आप टेन ए फाइंड कर दो, टेन परपेंडिकुलर अपोन बेस, परपेंडिकुलर अपोन बेस एक्स अपोन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपोन में रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन इनवर्स है तो ऐसे ही कोट इनवर्स सीकेंट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। मेरा यहाँ से समझाने का मतलब एक ही है कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में अदर्स को कन्वर्ट करना हो तो आप सभी को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, या तो फॉर्मूला यहाँ से याद रखना पड़ेगा, हमें याद नहीं रहे तो दूसरा ऑप्शन यही है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से अपने उन्हीं रिजल्ट्स का जो हमें टेंथ और प्लस वन में रीड किए हैं उनकी हेल्प से भी हम इस अपने काम को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज 2.2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक बार अच्छे से ज़रूर आपको रीड करना है, और साथ ही साथ उनको याद भी करना है और लिख लिख के देखना है कि रिज़ल्ट कैसे प्लस वन के रिजल्ट्स को यूज करके और इन प्रॉपर्टीज़ को बनाए गए। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है
फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने इसको लिख लिया किससे भाई, लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π/3। अभी हम प्रॉपर्टी फेस्ट ही पढ़ रहे थे, अगर बाहर इनवर्स है अंदर सिंपल है तो भी इससे ये कैंसिल हो गया और आपका y है वो 2π/3 के इक्वल आ गया। आपको बस ध्यान रखना है कि ये बिलोंग करना चाहिए भाई किसको, कोस के लिए आपके पास क्या है उसके अंदर है? कल से आप या और पहले से हम लोग इसको रीड कर रहे हैं अच्छे से कि कोस इनवर्स में बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 to π को, जो टेबल में रेंज है वो याद करो। तो 0 to π में 2π/3 है वो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2π/3 मीन्स 120 डिग्री होता है और ये 0 to 180 है। तो यहाँ से आपके पास वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2π/3 आ गई। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम, सेकेंड पार्ट में भी लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, π/3। लेकिन बाहर साइन इनवर्स है तो रेंज को बिलोंग करना चाहिए, रेंज का मतलब है क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, π/3 रेडियन, ये 2π/3 रेडियन। ऐसे ही पार्ट नंबर थर्ड पे आइए आप, थर्ड पार्ट को देख रहे हो तो यहाँ थर्ड पार्ट में ये कह रहा है लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। साइन इनवर्स से अगर साइन को कैंसिल कर दूँ तो y की वैल्यू 3π/5 आ गई। क्या ये बिलोंग कर रही है हमारे पास, साइन इनवर्स है तो वही कंडीशन -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल को, नहीं पता 3π/5 को किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में। अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 3π/5 इंटू में 180 अपॉन में पाई आ जाएगा, ये कैंसिल और भाई 5 से डिवाइड करोगे तो 3 पे 15, 6 पे, तो ये बन गया हमारे पास कितना, 108। अब 108 तो ये तो -92 + 90 है, नॉट बिलोंग्स टू, ये अगर इसको बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा तो यहाँ से 3π/5 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 3π/5 को कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, वापिस इसी रिजल्ट को लिखोगे आप स्टार्टिंग से, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस में 2π/5, साइन पाई माइनस में थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, क्योंकि एज ए सेकेंड क्वाड्रेंट साइन है वो पॉजिटिव होता है, पाई है तो नो चेंज है। तो अब ये बन गया वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5। अब की बार कैंसिल करोगे, y की वैल्यू 2π/5 आ गई। चेक कीजिए क्या ये -π/2 to +π/2 को बिलोंग कर रहा है, तो आपको बता दूं कि 2π/5 है वो आपका बनेगा 2 × 36 = 72 डिग्री बनेगा भाई। तो 72 डिग्री तो -92 + 90 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो 2π/5 आ जाएगी। पार्ट नंबर फोर्थ ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ कोस 13π/6 है। हमारे पास तो 0 to π है, ये तो 2π से भी ग्रेटर है, 13π/6 है ये तो 2π से भी ग्रेटर है, तो इसको पहले से यहाँ कन्वर्ट कर दो, कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π + π/6। ध्यान दीजिए 13π/6 को ऐसा लिख सकते हैं नहीं, और कोस 2π + थीटा, कोस 2π + थीटा है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ कोस π/6 बन गया, जो कि y इज इक्वल्स टू π/6 है और कोस इनवर्स है तो ये बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to π को, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, π/6 आ गया। ऐसे ही पार्ट नंबर फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है लेट y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स 5x,
वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5x। क्यों? अब की बार बार है वो 10 है, इनवर्स में नहीं है, इनवर्स में नहीं है, तो ये बिलोंग कर रहा है किसको भाई, रियल नंबर को। डोमेन 10 और कोट की क्या है हमारे पास, आर होती है, तो ये इसके लिए ट्री हो जाएगा। ऐसे ही अब सिक्स्थ पार्ट की बात अगर मैं करूँ तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है अपने पास, लेट वाई इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ कोट माइनस पाई बाई फोर। कोट इनवर्स से कोट को मैं कैंसिल कर दूं तो आपके पास यहाँ देख पा रहे हैं कि जो वाई की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई फोर आ गई। अब माइनस पाई बाई फोर तो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि कोट के लिए तो ओपन इंटरवल 0 to π होता है, नेगेटिव में होता ही नहीं। नहीं होता तो क्या करोगे, वाई इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ, पहले तो कोट माइनस थीटा का फॉर्मूला, माइनस कोट पाई बाई फोर लिखोगे। अब इसको प्लस का बनाने के लिए एज ए सेकेंड क्वाड्रेंट हमें रूल अप्लाई करेंगे जो कि कोट ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं। कोट पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, तो ये बन गया वाई इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ 3π/4। ये इससे कैंसिल और आपका जो वाई है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 3π/4 के। चेक कर सकते हैं ये बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 to π को। 3π/4 मीन्स 135 डिग्री, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3π/4 आ गई। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। तो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी है, बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी और प्लस वन के जो रिजल्ट्स है उनको अच्छे से आप रीड कर लेना और इस वर्क को अपने कंप्लीट करना।